आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेट स्केल में स्वागत है। सफलता किसी इत्तेफाक की देन या सौगात में मिलने वाली चीज नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए लगे रहना और डंटे रहना पड़ता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जीतने की चाह तो रखते हैं, या कहूँ कि सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो सफलता हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब बैठे बैठे ही हो जाए, बिना कुछ किए ही चुटकी बजाई और सफल हो गए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी न किसी शॉर्टकट का इंतजार कर रहे होते हैं। बस सोचते रहने से या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हम सफल हो जाते तो दुनिया इतनी तेजी से नहीं बदल रही होती। सक्सेसफुल बनने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी उठाने के फितरत की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपकी लाइफ में अनुशासन की कमी है तो सफल होने के चांसेस ही खत्म हो जाती है। आप सफल हो भी गए, फिर भी बिना अनुशासन के अपनी सफलता को लंबे समय तक कायम नहीं रख सकते। इस बात को हमेशा याद रखिए और यदि हो सके तो अपने मनमस्तिष्क में गांठ बांध लीजिए। कड़ी मेहनत का कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो बस सोचकर खाली बैठे रहने वाली बुरी आदत को छोड़िए। आपको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी। आपको डिक्शनरी के पन्नों में अपनी आंखें गड़ानी ही होगी, तब जाकर ही आपके माइंड में शब्दकोश का भंडार होगा। सफलता हासिल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि छड़ी घुमाओ और सफल हो जाओ। अभी के समय में सफलता लगकर काम करने वालों को ही मिलती है, न कि जो सिर्फ दर्शक बने खड़े हैं और दूसरों की सफलता को ही देखते और सोचते जा रहे हैं कि हमें भी सफल बनना है, और वो भी बिना कुछ किए, बस ख्याली गुलाब बनाए। कड़ी मेहनत के बिना सफलता पाना मुमकिन ही नहीं। आपने उड़ते हुए पक्षियों को जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि सभी चिड़ियों के लिए प्रकृति ने खाने का तो इंतजाम कर दिया है, लेकिन क्या आपने कभी कुदरत को ही उनका घोंसला बनाते देखा है? चिड़िया अपना घोंसला खुद ही बनाती है, और वह भी उसके कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाता है। तो हम इंसान उन चिड़ियों से क्यों नहीं सीख सकते? क्या हम अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे या आलसी बनकर घर के किसी कोने में सोए ही रहेंगे, या अपनी सफलता के लिए तिनका तिनका जोड़कर एक घोंसला बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे? मैं रोज शाम को अपने पास के एक तालाब में टहलने जाया करता हूँ। वहाँ मैं बहुत सारे बत्तख को एक साथ तैरते हुए देखा। वे सभी मुझे बहुत ही शांत दिखाई देती हैं, लेकिन उसे एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए पानी के अंदर अपने पाँव को चलाते रहना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को नोटिस नहीं करते और बस बत्तख को कोमल और शांत तरह से तैरते हुए देखते हैं, लेकिन इस तैराकी में उसकी कड़ी मेहनत भी शामिल होती है। मेरा एक बड़ा भाई है रत्नाकर, जो कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी है। हम दोनों ने साथ में BCA की पढ़ाई की और फाइनल एग्जाम में दोनों ने एक साथ ड्रॉप आउट भी किया। आज वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उसने लोकल एरिया में एक ऑनलाइन चाय सर्विस शुरू किया है और बहुत ही तेजी से उसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। बहुत सारे लोग उसकी कामयाबी और सफलता के किस्से सुनाते हैं, और उसकी कहानी लोगों को इंस्पायर करने वाली भी है, शायद जीरो से हीरो बनने जैसा। आज उसने चाय के बिजनेस को एक नया आयाम दिया है। लोग उसकी सफलता और बड़ी सोच को देखते और सराहते तो हैं, लेकिन इस बीच उसके कड़ी मेहनत को अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उस बत्तख की तरह बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आइडिया तो एकदम सिंपल होता है, लेकिन जब बात आइडिया को एक्सिक्यूट करने की आती है या उस पर काम शुरू करने की आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। हम दूसरों की सफलता को तो देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है, या सफलता पाना किसी बंदे के लिए कितना आसान होगा। लेकिन याद रखिए, कमेंट करना बहुत ही आसान है। जो करता है वही जानता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जिसने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता पाई है वही अपनी सक्सेस का सही मतलब समझ सकता है। बाकी लोग तो बस सफलता को देखते हैं, उसके पीछे की कड़ी मेहनत को नहीं। जिस दिन कड़ी मेहनत दिख गई और आपको अंदर से इंस्पायर कर गई, उस दिन आपको भी सफल होने से शायद ही कोई रोक सकता है। आप कितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतना ही आप बेहतर महसूस करते जाएंगे। आपको किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको कुदरत से ही हर एक तोहफा मिलता जाएगा। इस बात को भी अपने दिमाग में घुसा लें, दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से आप जो चाहें वह पा सकते हैं। बहुत सारे लोग किसी एक चीज में सफलता पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वे बस अपना काम करते जाते हैं, उन्हें रिजल्ट की चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि वो सही दिशा में अपना 100% दे रहे हैं तो सफलता की गारंटी निश्चित है। भले ही छोटे छोटे स्टेप उठाएं, छोटी चीजों से शुरुआत करें,
रास्ते में चलने के लिए बड़े कदम की ही जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे कदम भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बस चलते रहिए, कड़ी मेहनत करते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लीजिए, क्योंकि कड़ी मेहनत से हर चीज संभव है।